सुबह की शुरुआत हुई थायराइड की गोली के साथ, फिर हम गए नहीं मॉर्निंग सब वॉक कुछ पे। सही। वॉक से रिटर्न आके फिर मैंने खाए ड्राई फ्रूट्स, मुझे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं। फिर नारियल पानी पिया, उसके बाद स्प्राउट खाया थोड़े टाइम अच्छा बाद, क्योंकि उतनी जल्दी खाना नहीं खा सकते हो, और मुझे वो स्प्राउट्स भी अच्छे नहीं लगते। ये फिर ये सब लंच कुछ है, स्वाद लंच के में हिसाब मैंने से ये बहुत कुछ झटपट ज्यादा बनने ही वाली खिचड़ी बनाई थी, जो पुलाव कम खिचड़ी ज्यादा लग रही थी। फिर हम शाम को गए शनि मंदिर, आज शनिवार का दिन था, मेरे हस्बैंड ने पूजा किया। नारियल यार। हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज नया पूजा कुछ नहीं करती है, हमने ये नया ही स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने किया। फिर हम थोड़ा आगे गए तो मेला लगा हुआ था, फिर हम मेले में हमने एंट्री ली। सजावट डेकोरेशन तो काफी सही कर रखा था इन्होंने, बस हर जगह से भूत के साउंड आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने भूत घर ज्यादा बना रखा है। जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको पता होगा ये मेला कहाँ लगा हुआ है, ये सारा एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे सही तो मुझे यही लगा, इन्होंने फोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारी चीजें दे रखी है। ये वही नॉर्मल मार्केट की जो चीजें होती है जो बहुत मेला में अच्छा होता है, अनुभव वो सारी चीजें यहाँ पे बिक रही थी। सामान मुझे ज्यादा खास अच्छे नहीं लगे, बस सुन ये टी कप और कॉफी कप थे जो थोड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के थे इनके पास, बाकी कोई चीज इतनी अच्छी थी नहीं कि आप वहां से परचेज कर सको। फिर कितने के हो गए। हम मेला आए थे और कुछ ना खाया तो कैसे जो हॉस्पिटल। पसंद है वो लो। आइसक्रीम भी, ये वाली आइसक्रीम कोन पहले बहुत चलती थी, अब बहुत कम अरे चलती वाह है, मिलती ही नहीं है मार्केट में। ये पूरा एरिया है वहां का, और ये छोटा सा मॉल 10 रुपए का, हर एक माल 10 रुपए का ही होगा। आपको यहाँ पे कोई सा भी सामान आप ले लो, उसके सिर्फ 10 रुपए पेमेंट करनी है और कुछ नहीं। ये सब सैंडल वाली थी, भी अच्छी लगी थी। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। और ये किस किस को चाहिए खरीद सकते हो, अभी मेला लगा हुआ है 2 दिन तक। क्या करोगे इसका पोज नहीं होता इसमें ऐसा रहता पोज। बच्चों के सामान यहाँ पे काफी सही थे, बच्चों के लिए मजे, हमारे तो टाइम खत्म हो गए। यहाँ पे फिर लेना तो कुछ था नहीं, पर हमने थोड़ा देख लिया सामान, और ये थोड़ा घूमे, ये देखो कप वगैरह कालीन ये सब चीजें ठीक थी, वहां की सब वही था मेला में जाए मॉकटेल बार ये सब चीजें, और झूले वगैरह भी बहुत सारी वैरायटी थी, तो मैं तो कुछ झूल सकती रही थी। अब मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं तो उन्होंने भी नहीं झूला। ये बगल में भूतिया घर था, ये बस इतने डरावने डरावने आवाज बजा रहे थे, डर वर तो कुछ लगता नहीं, बस आवाज कान में गूंज रही थी। ये मेला मोस्टली बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें बना रखी थी यहाँ पे। ये देखो छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना रखा था उनके लिए, स्विमिंग पूल क्या नदी बना रखी थी, बोटिंग करो। ये आसपास मेला, गन्ने का जूस, अब मैं पोज करना आता नहीं, पोज के लिए ट्राई कर लो और क्या। फिर यहाँ आए यार कुछ ना खाए ऐसा कैसे होता है। फिर हमने खाया छोले भटूरे, छोले भटूरे मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगा, क्योंकि फिर वो छोले भटूरे में सब्जी जो थी वो घर के स्टाइल की बनी हुई थी, और बाहर जाके घर का खाना खाने का कोई मेरा मूड नहीं था कल। अब थोड़े से पोज ले लो, ये छोले भटूरे। मेरे हस्बैंड को छोले अच्छा लगा, क्योंकि वो घर का स्टाइल था, वो ज्यादा हेल्दी हेल्दी का करते हैं। और यह आइसक्रीम आप तो देखी होगी बहुत फेमस है, कितने का है। हाइजीन के नाम पे यहाँ पे सिर्फ ये हाथ धो के ही दे देते हैं, वही बड़ी बात है। टेस्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगा नहीं, क्योंकि टेस्ट में वही फ्रूट्स के टेस्ट आ रहे थे, मिक्स फ्रूट्स हो गए थे, तो वो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। केला से केला था, आम था, और भी ऐसी चीजें सारी से पहले से मिक्स थी, टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी टाइप का था, बिल्कुल बकवास लगा मुझे। मजबूरन हमें खाना चलो फेंकना, ये फेंकना पड़ा, क्योंकि वैसे तो हम ये सब चीजें फेंकते नहीं है, लेकिन मजबूरी हमें इसे फेंकना पड़ा, क्या कर सकते, खा सकते नहीं थे। मैं खाते तो उल्टी आ जाती, मेरे हस्बैंड को ही पसंद नहीं आया।
तो उन्होंने भी फिर से नहीं खाया, हमने फेंक दिया। फिर हम ये रिटर्न हो रहे थे तो हम वापस आ गए थे गलत जगह पे, क्योंकि जहाँ हम खड़े थे हमें वहीं से रिटर्न हो रहा था। ये आपने जिसने अट्टा मार्केट, सरोजनी मार्केट ये सब देखा होगा, उस टाइप से यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है। ओवरऑल तो ठीक ही था, अब प्रेगनेंसी में हम कुछ कर नहीं सकते थे तो उसलिए थोड़ा सा बेकार था। ये फोटो फ्रेम्स टाइप के बहुत सारे बने हुए थे जिसपे हम फोटो ले सकते थे। ये स्टार्टिंग में एंट्री डोर है, इसके अंदर जाके काफ़ी सारे फ्रेम्स बने हुए थे जहाँ पे आप खड़े के फोटो ले सकते हो। ये हमारे हीरो देखो बोल दे रहे हैं उनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मैं फोटो ले रही थी पर ये पूरे बैकग्राउंड की फोटो ले रहे हैं, देख रहे हो वीडियो। अब मैं तब तक पोज बना कर ही खड़ी थी और ये पूरे एरिया का रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं तब तक उसी पोज में खड़ी थी जैसे कि बस स्टैचू बोल दिया गया हो। ये सारे सारे फ्रेम है, अलग अलग तरीके के थे, मोस्टली तो घर ही थे। तो सैटरडे नाइट हमारा ख़त्म, फिर हम रिटर्न आ गए।